सुकमा जिले के धान खरीदी केंद्र छिंदगढ़ में किसानों का शोषण किया जा रहा है। धान खरीदी के दौरान तुलाई में गड़बड़ी कर जिम्मेदार मनमानी कर रहे हैं और धान सूखने के नाम पर किसानों के प्रत्येक बोरे पर 4 से 5 किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा है। खरीदी केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंची भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शौरी ने इस पर नाराजगी दर्ज कराई है। बता दें कि दीपिका शौरी ने कहा कि सामान्य कांटे का उपयोग कर किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसान रामा बघेल ने बताया कि उसने 80 बोरा धान बेचा, लेकिन प्रत्येक बोरे पर 4 किलो धान अधिक लिया गया। वहीं एसडीएम दीप्ति दुर्गम से शिकायत करने पर उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। वहीं पिछले साल भी सुकमा के धान खरीदी केंद्रों में इसी तरह की अनियमितता बढ़ती गई थी। और जब हम यहाँ पे आए तो किसानों का कुछ धान यहाँ पे खरीदी हो रहा था और यहाँ पे प्रभारी जो है, यहाँ पे जो नियुक्त है, जिसे जिला प्रशासन ने प्रभार के रूप में दिया है, उनसे हम बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन वो यहाँ से कहीं चले गए। कहाँ गए किसी को पता भी नहीं। और जितने भी यहाँ पे जो धान खरीदी जो कर रहे हैं जो बच्चे, वो यहाँ के बाहर के हैं, जगदलपुर के। और इनका जो बताना है, किसानों का भी बताना, और यहाँ पे जो धान ले रहे हैं उनका भी बोलना है कि उनको झुकती बोला गया, लेकिन झुकती कितना, 100 ग्राम 200 ग्राम, लेकिन एक एक बोरी में यहाँ 4-4 किलो 5-5 किलो धान खरीदेगा। मैं पिछले साल से मांग कर रही हूँ प्रशासन से भी और कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी कि आप समस्त छत्तीसगढ़ में और समस्त सुकमा जिला में डिजिटल कांटे का उपयोग किए, लेकिन यहाँ कहीं पे भी, पूरे सुकमा जिला में भी कहीं पे भी डिजिटल कांटे का उपयोग नहीं किया गया। और जब हम यहाँ पे